बीजेपी के करीब आए ओम प्रकाश राजभर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बड़ी जिम्मेदारी, अटल फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बने राजभर। यूपी बीजेपी ने लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बाद उसकी तैयारियों की सुगबुगाहट दिखने लगी। सबसे बड़ा अपडेट बीजेपी और छोटे दलों को लेकर है, क्योंकि बीजेपी ने छोटे दलों के साथ अपना संपर्क और गठबंधन की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी ताजा तस्वीर लखनऊ से आई है। ये सियासी हवा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। दरअसल सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर को अटल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसकी घोषणा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर हुई। हुआ यूं कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के पितामह दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होना है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कुमार विश्वास भी शिरकत करने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के नाम की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री के घर में ओम प्रकाश राजभर को अटल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि राजभर भाजपा के साथ अपनी दूरी को कम कर रहे हैं। इस बीच सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को अटल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बनाने की घोषणा को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यूपी में बीजेपी धीरे धीरे छोटे दलों के माध्यम से लोकसभा की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए बीजेपी माहिर मानी जाती है। इससे पहले भी बीजेपी से गठबंधन को लेकर जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि राजनीति में किसी ने कोई कभी कसम नहीं खाई। क्या यूपी में बीएसपी और सपा का गठबंधन एक होने की संभावना कभी थी? बीजेपी और पीडीपी एक हो सकते हैं? अलगाववाद का नारा लगाने की बात कहने वाले बीजेपी ने पीडीपी से ये कहते हुए गठबंधन किया था कि कश्मीर का विकास करेंगे। बीजेपी के लोग बताते थे, लेकिन दोनों ने मिलकर कश्मीर में सरकार चलाई थी। राजभर ने आगे कहा कि राजनीति में मैं कहता हूं कि नेता दुमुहिया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं। बता दें कि इसके अलावा बीते चुनाव में भी ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधते रहे। हालांकि उनके बयान से कभी उनकी करीबी बीएसपी की ओर दिखती रही, कभी सपा के साथ, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन अब पद मिलने के बाद देखना होगा ओम प्रकाश राजभर किस तरफ आगे बढ़ते हैं और कितने दिनों तक किसके साथ टिकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।